हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग क्वीन। तो आज हम बनाने वाले हैं सबकी फेवरेट और बच्चों की खासकर फेवरेट होती है मोमोज। तो चलिए शेयर करती हूँ मैं आपके साथ ये रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पे चॉपर, जिसमें मैंने डाला है लहसुन और अदरक के छोटे छोटे टुकड़े। तो अब हमें इसको करना है चॉप। ये देखिए यहाँ पे मैं चॉप कर रही हूँ। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे अदरक और लहसुन चॉप हो चुका है। और यहाँ पे मैंने एक थाली में ले लिया है मैदा। ये मैंने आधा किलो मैदा लिया है। आपको जैसा बनाना हो, जिस क्वांटिटी में, उसके हिसाब से आप मैदे की क्वांटिटी ले सकते हो। अगर आप मैदे का यूज़ नहीं करना चाहते तो इसकी जगह पे आप आटा भी ले सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने डाला है थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा नमक। और देखिए यहाँ पे मैं चटनी की तैयारी करने जा रही हूँ। तो लाल मिर्च को मैंने पानी में डुबो के थोड़ी देर रख दिया था। अब मैं मिक्सी जार में डालूँगी टमाटर, थोड़ा सा धनिया पत्ता, लहसुन और अदरक के टुकड़े, और ये डालूँगी मैं लाल मिर्च जो मैंने पानी में डिप करके रखी हुई थी, इसको भी डालना है। इसे डालेंगे। अब इसे हमें ग्राइंड कर लेना है। तो इसको कर लिया मैंने ग्राइंड। ये देखिए तो यहाँ पे ले लिया मैंने कढ़ाई। इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा तेल। आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हो, जो भी आपके घर में यूज़ होता है। मैंने सरसों का तेल डाला हुआ है। तेल को गर्म होने देंगे। तो यहाँ पे तेल गरम हो गया हमारा। अब हमें इसमें डालना है जो हमने चॉप किए थे लहसुन और अदरक, उसको डाल देना है, मिक्स कर देना है। अदरक और लहसुन जो हमने चॉप किया था वो हो चुका है गोल्डन ब्राउन। अब हम इसमें डालेंगे घिसे हुए पत्ता गोभी।
इसको मैंने ग्रेट कर लिया था कद्दूकस से। तो अब हम यहाँ डालेंगे पत्ता गोभी, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक गाजर, उसको भी मैंने ग्रेट कर लिया था, उसमें डालेंगे गाजर। यहाँ पे आप कोई सी भी वेजिटेबल, जिसको शिमला मिर्च पसंद है या फिर कॉर्न, जो भी आपको वेजिस पसंद है वो आप ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे सिर्फ पत्ता गोभी और गाजर का इस्तेमाल किया है। इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा नमक, अब इसमें हम थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रोस्टेड धनिया डाला है, धनिया पाउडर जो होता है उसको मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया था, वो डालने से इसका फ्लेवर और भी अच्छा आता है। ऑप्शनल है, आप आपका मन हो तो डालो, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो। तो यहाँ पे ये देखिए स्टफिंग बनके हो गई है रेडी बिल्कुल। अब मैंने छोटी सी कढ़ाई चढ़ा रखी है इधर, और इसमें थोड़ा सा तेल डाला है। अब यहाँ हमने चटनी बनानी है, जो हमने चटनी का पेस्ट बनाया था उसको तैयार करेंगे, पकाएंगे। तो तेल हो चुका है गरम, तो जो मैंने पेस्ट तैयार किया था टमाटर लहसुन अदरक इन सब का, अब वो इसमें मैं डाल दूँगी। इसको हमें 5 मिनट के लिए पकाना है ताकि इसका कच्चापन हट जाए। इसको मिक्स कर देंगे। यहाँ पर डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, इसको मिला देंगे। तो ये देखिए इधर मैंने आटा गूंथ के तैयार कर लिया है। और इधर हमारी चटनी भी तैयार हो गई है, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। तो ये देखिए चटनी बनके बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पे माटे की गोलियाँ बना लेंगे छोटी छोटी, जैसे पूड़ी के लिए बनाते हैं वैसे। थोड़ा सा आटा स्प्रेड करेंगे और फिर इसको बेल लेंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पे बड़ी सी लोई ली है ताकि मैं इसको कट करके दिखाऊंगी आपको। आप अगर एक एक पूड़ी जैसी शेप बनाने चाहते हो छोटी छोटी, तो वैसे भी बना सकते हो। यहाँ पे मैं आपको कट करके एक बड़ी सी पूड़ी बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी, और उसको कट करके दिखाऊंगी। इससे आपको जल्दी हो जाएगी, और अगर आप एक एक करके बनाना चाहते हो तो वैसे भी बना सकते हो, जैसा आपको सही लगे। तो ये देखिए मैंने बड़ी सी रोटी बना ली है यहाँ पे,
चारों तरफ से ऐसे बेल लेंगे। हमें मोटा नहीं बेलना है ना ही ज़्यादा पतला बेलना है, मीडियम बेलना है, ताकि अगर पतला कर देंगे तो फट जाएगा और मोटा कर देंगे तो वो पकने में नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा ग्लास ले लिया है, आप जो भी आपके घर में कटोरी जो भी ग्लास जो भी हो उससे कट कर सकते हो। तो इस ग्लास से मैं छोटी छोटी कटिंग करूँगी इसकी, ये देखिए। इस तरीके से करोगे आप तो एक साथ आपके तीन चार आराम से बनके तैयार हो जाएंगे। ये जो एक्स्ट्रा आटा है इसे हम निकाल लेंगे और ये देखिए एक साथ हमारी पांच पूड़ियाँ बन के रेडी हैं। अब इसको हम स्टफिंग इसमें फिल करेंगे। ये देखिए स्टफिंग ले ली है मैंने और इसको एक कॉर्नर से ऐसे मोड़ते रहेंगे, एक के ऊपर एक लेयर ऐसे मोड़ते रहेंगे और बीच में इसको बचा हुआ जो इसका आटा है इसको बीच में ऐसे चिपका देंगे। तो ऐसे हम सारे कर लेंगे। और मैंने यहाँ पे लिया है आटे वाली जो चलनी होती है ना वो लिया है। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप उसका यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी बना सकते हो। यहाँ पे मैंने ऐसे ही बना के दिखाया आपको। तो ये देखिए पानी भी हो चुका गरम। ये पानी में उबाल आ गया तो अब हम इसके ऊपर इसको रख देंगे और इसको ढक्कन लगा देंगे। तो ये देखिए ये पक गए हैं हमारे मोमोज। तो अब हम इसे निकाल लेंगे और ये मैंने दूसरा रख दिया इसके ऊपर। अब ये देखिए बन के रेडी है हमारे मोमोज। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।